आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने आज पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जल मिशन के तहत हुए 18 घोटाले की खुलासा किया है और 25 तारीख से पूरे प्रदेश में मटकापुर आंदोलन करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में घोटाले का खुलासा किया था तो मैंने आपसे कहा था कि इस महा घोटाले से संबंधित तमाम जानकारियां मेरे पास है जो समय समय पर आपके सामने करूंगा। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की निगरानी में उनकी मिली भगत से ये जो महा घोटाला हुआ है ये क्या है इसकी पूरी डिटेल मैं आज आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगा और इसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाने की नोटिस भेजने की इतना बौखलाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रंगे हाथों ये लोग इस भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं। कल भी दोहराया था, आज फिर कह रहा हूँ, NRHM से बड़ा ये घोटाला है और ये घोटाला क्या है। मैंने माइनिंग में इंजीनियरिंग की थी तो मुझे मालूम नहीं कि मुझे डॉक्टर महेंद्र सिंह के भ्रष्टाचार को खोद को निकालने में मेरी इंजीनियरिंग काम आएगी। उनके भ्रष्टाचार को खोद कर निकाला मैंने, पूरी रात हम सारे लोग जगे रहे, एक एक कागज पढ़ा, एक एक जानकारी हासिल की और उसके बाद जो पता चला मैं आपके सामने कर दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के दो विभाग जल निगम और जल जीवन मिशन दोनों आदित्यनाथ जी की सरकार के विभाग के सबसे करीबी मंत्री हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, अगर अब भी उनको भ्रष्टाचार समझ में नहीं आएगा तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे अनपढ़ और पता नहीं क्या क्या संज्ञा दी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस महाभ्रष्टाचार में शामिल हैं। एक मंत्री एक विभाग उसी काम को 100 रुपए में करा रहा है, दूसरा विभाग 300 रुपए में करा रहा है, एक विभाग का ठेकेदार -20% पे काम कर रहा है, -30% पे काम करा रहा है, दूसरे विभाग का ठेकेदार -11%, -12%, -13%, -14% पे काम करा रहा है और ये काम क्या है अभी तो सिर्फ 18 चीजों की लिस्ट मैंने निकाली है, धीरे धीरे और आपके सामने रखूंगा। वहीं लखनऊ के डीएम पर 1000 एकड़ जमीन खरीदने के आरोप में बोलते हुए कहा कि उनके खिलाफ 1000 एकड़ जमीन खरीदने का आरोप है और ये मैंने नहीं लगाया। पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह जी की चिट्ठी पर ये जांच हुई, एक एक अधिकारी इतना भ्रष्टाचार यहाँ पर कर रहा है और आप चोरी और सीनाजोरी के फॉर्मूले पर चल रहे हैं, मतलब चोरी भी करते हैं और ऊपर से कोई कुछ बोलेगा तो मुकदमा लिखा देंगे, नोटिस भेज देंगे और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। आदित्यनाथ जी को पता नहीं उनके नीचे क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार पर खामोशी भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। डीएम के ऊपर लखीमपुर खीरी और बरेली में जमीन खरीदने का आरोप लगा है। जल जीवन मिशन में घोटाले का खुलासा किया था तो मैंने आपसे कहा था कि इस महा घोटाले से संबंधित तमाम जानकारियां मेरे पास हैं जो समय समय पर आपके सामने करूंगा। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की निगरानी में उनकी मिलीभगत से ये जो महाघोटाला हुआ है ये क्या है इसका पूरा डिटेल मैं आज आपको बता रहा हूं जो आपको बहुत आसानी से अभी समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाने की, नोटिस भेजने की, इतना बौखलाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रंगे हाथों ये लोग इस भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं। कल भी दोहराया था, आज फिर कह रहा हूं, NRHM से बड़ा ये महा घोटाला है। और ये घोटाला क्या है, मैंने माइनिंग में इंजीनियरिंग किया था तो मुझे मालूम नहीं था कि मुझे डॉक्टर महेंद्र सिंह के भ्रष्टाचार को खोद के निकालने में मेरी इंजीनियरिंग काम आएगी। उनके भ्रष्टाचार को खोद के निकाला मैंने, पूरी रात हम सारे लोग जगे रहे, एक एक कागज पढ़ा, एक एक जानकारी हासिल की और उसके बाद जो पता चला मैं आपके सामने कर दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के दो विभाग जल निगम और जल जीवन मिशन
दोनों आदित्यनाथ जी की सरकार के विभाग, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के विभाग, जो योगी जी के सबसे करीबी मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, अगर अब भी उनको भ्रष्टाचार समझ में नहीं आएगा तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपने मुझे अनपढ़ और पता नहीं क्या क्या संज्ञा दी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आप इस महाभ्रष्टाचार में शामिल हैं।